इस समय हम मौजूद हैं राजस्थान के सीकर में, जहां पर कल जननायक जनता पार्टी जननायक चौधरी देवीलाल का स्थापना दिवस मना रही है, सम्मान दिवस मना रही है, और यहां पर शक्ति दिखाएगी जननायक जनता पार्टी। और वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के कैथल में INLD जो है वो ताकत दिखाने का काम करेगी। तमाम यहां पे तैयारियां हो चुकी हैं और हमारे साथ इस समय खास तौर पे मौजूद हैं खरी खरी न्यूज से कुलदीप शोरान जी, जगरूप सहरावत जी, कमल वधावन जी। सर, क्या लगता है कल दो बड़ी रैलियां होंगी? इतिहास गवाह है, गोहाना रैली में भी इसी तरह की ताकत दिखाई गई थी और ये कल का दिन फिर एक साक्षी बनने वाला है हरियाणा की बड़ी राजनीति का, क्या लगता है? देखिए, हरियाणा की सियासत के लिए, राजस्थान की सियासत के लिए और पूरे चौटाला परिवार के लिए कल का दिन बेहद अहम है, क्योंकि 5 साल के बाद ये पहला ऐसा मौका है जब दोनों ही पार्टियों में बराबर की टक्कर है। 2018 में इसमें काफी बदलाव है, उस समय दुष्यंत चौटाला और अभय चौटाला के बीच में पार्टी पर वर्षों के लिए घमासान था, लेकिन वर्तमान दौर में जहाँ JJP सीकर रैली के जरिए राजस्थान में की एंट्री मारने की कोशिश कर रही है, वहीं इनेलो कैथल के अंदर वापसी के लिए एक बड़ी रैली का आयोजन कर रही है। इसलिए दोनों की दिशाएं अलग हैं, मकसद अलग हैं, लेकिन दोनों के लिए प्रायोरिटी एक ही है कि कौन 21 साबित हो और कौन दोबारा साबित कर सके कि हम ही देवीलाल के असली वारिस हैं। बड़ी बात है, INLD आज भी हरियाणा के अंदर रैली कर रही है, क्योंकि मूल रूप से दोनों ही पार्टियां हरियाणा से बिलोंग करती, लेकिन जननायक जनता पार्टी ने एक बड़ा चैलेंज लिया है राजस्थान के सीकर में रैली करने। देखिए, सही बात है कि राजस्थान के अंदर आकर जो पार्टी आज से 4 साल पहले बनी हो, जिसका राजस्थान में कोई जनाधार ना हो, बड़े नेता ना हो, उसके लिए सीकर में आकर रैली करना एक बेहद चैलेंजिंग काम है। इनेलो के लिए हरियाणा में रैली करना आसान बात है, लेकिन इनेलो कमजोर हो चुकी थी, इसलिए उसके लिए भी बड़ी रैली कनेक्शन होती है, वो चुनौती पर वो वहां पर खरीद रहेगी। और यहां पर राजस्थान की सियासत में एंट्री के लिए JJP के लिए इस रैली को कामयाब करना बेहद जरूरी है। इस रैली में आने वाली भीड़ की संख्या ही तय करेगी कि JJP के साथ BJP अलायंस करेगी या नहीं करेगी। क्या लगता है आपको, किस तरह से, मतलब कुर्सियां कितनी लगाई गई हैं, क्या कैथल रैली का भी हमारे पास कुछ आंकड़ा है, ऐसा कितना क्या बैठने का सिस्टम किया गया और यहाँ पे सीकर में कितनी व्यवस्था की गई? देखिए, दोनों रैलियों में मैंने कैथल में भी पूरा जायजा लिया था, वहां पर भी 15,000 लोगों की व्यवस्था की गई है पंडाल के अंदर, और सेम टू सेम बराबर संख्या की व्यवस्था यहाँ पर भी की गई है, यानी पहली बार दोनों पार्टियां बराबर पर हैं। लेकिन फर्क यह है कि इनेलो कमजोरी से वापसी कर रही है और JJP हरियाणा से बाहर रैली कर रही है, इसलिए दोनों रैलियों की तुलना भी हो सकती है, लेकिन दोनों का ग्राउंड अलग है, दोनों का मिजाज अलग है और दोनों के लिए भीड़ का सिलेक्शन भी अलग अलग चीज है। लेकिन बड़ी बात है, लोग कह रहे हैं कि JJP जो है वो हरियाणा से ही बसे भर भर के राजस्थान लेके आएंगे तब ये रैली सफल हो पाएगी। देखिए, ये तो मानना पड़ेगा आपको कि राजस्थान के अंदर JJP के पास महज आधा दर्जन बड़े चेहरे हैं, वो चेहरे अपने इलाकों से भीड़ लेकर आएंगे। JJP के नेता पिछले 20 दिन से यहाँ डेरे डाले हुए हैं, लगभग 70 विधानसभा क्षेत्रों में घूम रहे हैं। इसके अलावा रैली कामयाबी के लिए, क्योंकि देवीलाल की जयंती है तो हरियाणा से पार्टी कैडर तो आएगा, उसमें कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, वहां से क्यों आए, देवीलाल की जयंती है, JJP का हर छोटा बड़ा नेता कार्यकर्ता इस रैली में शामिल होगा, रोना भी चाहिए, उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि राजस्थान में आकर एक बड़ी रैली करना JJP के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। अगर ये पंडाल कर भर जाता है तो JJP के लिए बड़ी अचीवमेंट होगी, और अगर पंडाल खाली रह जाता है तो उनकी राजस्थान की सियासत को एक झटका भी लग सकता है। बिल्कुल, आपने कहा कि जिस तरह से यहाँ पे भीड़ जुटाना बहुत बड़ी बात है, इसलिए INLD के पास भीड़ के अलावा एक और टास्क है, इंडिया में जो अलायंस में पार्टियां शामिल है, और बड़े तौर पर यह है कि कांग्रेस के लीडर एक बार मंच पे दिख जाए तो इनेलो को संजीवनी बूटी मिल जाए। देखिए, इनेलो के लिए दो चुनौतियां हैं। पहली चुनौती यह है कि 15,000 के पंडाल को भरना एक आसान काम नहीं है, और उस इनेलो के लिए जिसके पास सिर्फ 1 MLA है और जिसके पास 2.5% वोट आए हों, तो 6 महीने की प्रतिनिधि यात्रा के बाद अभय सिंह चौटाला एक पहली परीक्षा दे रहे हैं। उस परीक्षा में 15,000 लोगों के साथ पास होना एक बड़ी चुनौती है। अगर वो पास हो गए तो इनेलो को बूस्ट मिलेगा, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि क्या इनेलो की कल की रैली के अंदर कोई कांग्रेस का बड़ा नेता शामिल होता है कि नहीं होता है, क्योंकि इनेलो की पूरी पॉलिटिक्स 2024 के लिए इंडिया महागठबंधन में टिकी हुई है। कल कांग्रेस का नेता आता है तो इनेलो को बूस्ट मिलेगा, इंडिया गठबंधन में जाने के संकेत मिलेंगे, जो इनेलो के लिए एक शुभ बात होगी। अगर नहीं आता है तो इनेलो को झटका भी लगेगा। आप कह रहे थे एक बात कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बहुत बड़ा रोड़ा है इनेलो के लिए इंडिया में शामिल होने को लेकर, क्या वो चाहेंगे कि कोई नेता वहां पे दिखाई दे? देखिए, अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा साफ तौर पर स्टैंड लेकर खड़े हैं कि इनेलो की इंडिया में जरूरत नहीं है, और हरियाणा के पॉलिटिक्स में कांग्रेस अपने बलबूते पर सरकार बनाने में सक्षम है, इसलिए
इन्हें लोगों को गठबंधन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हुड्डा को पता है कि कांग्रेस के लिए भी और उनके लिए भी दोनों के लिहाज से वो इन लोगों की एंट्री उनके लिए नुकसानदायक है। अच्छी सी बात है, भूपेंद्र हुड्डा को अपने बेटे को सीएम बनाना है और सीएम बनाने के लिए अपने खाते के कम से कम 40 विधायक भी चाहिए। अगर इनेलो और आम आदमी पार्टी हरियाणा में पार्टनर बनते हैं कांग्रेस का, तो सीटों की संख्या घटेगी, घटेगी तो हुड्डा की भी घटेगी। तो इसलिए उनको लगता है कि रोड़ा है इनेलो भूपेंद्र हुड्डा के लिए उस पूरे लक्ष्य को हासिल करने के लिए। एक राजस्थान में जिस तरह से रैली और भीड़ जुटाने का टास्क है, क्या लगता है एनडीए में शामिल रहने के लिए, एनडीए में अपनी प्रेजेंस बनाने के लिए, दबदबा बनाने के लिए दुष्यंत के लिए भी ये बड़ा चैलेंज है कि राजस्थान में एक धमाकेदार रैली की जाए जिससे दबाव बने और आगे गठबंधन जारी रहे? देखिए अरुण, सिंपल सी बात है, पॉलिटिक्स में एक चीज चलती है जो दिखता है बिकता है। अगर जेजेपी को, अगर बीजेपी के साथ पार्टनरशिप करनी है, राजस्थान में गठबंधन करना है, तो इस रैली को बड़ा कामयाब करना हो पड़ेगा। इस रैली में इतनी कुर्सियां लगी हैं, इससे ज्यादा भीड़ जुटानी पड़ेगी। भीड़ आती है तभी बीजेपी गठबंधन के बारे में सोचेगी, और इसलिए रैली की गई है क्योंकि इस रैली के जरिए जेजेपी ये दिखाने की कोशिश करेगी कि एक साल की वर्किंग में जेजेपी राजस्थान में मजबूत हो चुकी है, और जाट बोल सीटों पर जहां पर बीजेपी नहीं जीतती है, अगर वहां पर जेजेपी के साथ गठबंधन होगा तो बीजेपी को फायदा होगा और उसकी सरकार बनाने में जेजेपी योगदान देगी, इसलिए इस रैली की इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। जगरूप सराव जी हैं, किस नजर से देखते हैं आप इस रैली को, क्या जरूरी है, कितना कामयाब होना इसको? देखिए, जिस प्रकार हरियाणा में जेजेपी का गठन हुआ था और खासकर दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला का जो छात्र राजनीति है उसके ऊपर पकड़ बनाई, युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित किया, युवाओं के लिए बड़ी बड़ी बातें की, तब जाके युवा हरियाणा का जेजेपी पार्टी के साथ जुड़ा। ठीक उसी प्रकार राजस्थान के अंदर भी दिग्विजय चौटाला को इस पूरी रैली का ऑर्गेनाइजेशन देकर ये छात्र की जो राजनीति है राजस्थान की उसको पकड़ बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि राजस्थान के अंदर छात्रों की राजनीति में अहम भूमिका है, और अगर यहाँ के युवाओं को भी अपने साथ जोड़ने में जेजेपी पार्टी कामयाब हो जाती तो निसंदेह यहाँ पर भी वो राजनीतिक में संदेह कर सकती है, पार लगा सकती है, और कहीं ना कहीं अगर मजबूती, जैसे कुलदीप भाई ने बताया कि कल की रैली को अगर कामयाब कर लेते हैं तो बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं जेजेपी को भी यहाँ पर साथ लेके अलायंस में चुनाव लड़ सकते हैं। कमल जी, क्या कुछ कहना है? आपने देखा पूरी व्यवस्था हो चुकी है, राजस्थान में रैली करना बहुत बड़ा टास्क है। मेरा मानना यह है कि जननायक जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, जैसा मेरा मानना है, हालांकि एक स्टेट में कहीं ना कहीं सरकार की हिस्सेदारी में है, और अब राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से एंट्री है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पार्टी की जो गतिविधियां हैं वो आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और निश्चित तौर पर दूसरी स्टेट में जाके एक बड़ा टास्क जिस प्रकार से रैली का होता है, तो उसको टास्क को एक्सेप्ट करते हुए आज जेजेपी कहीं ना कहीं आज सीकर के अंदर आज एक बड़ी रैली का आयोजन करने जा रही है, कल रैली है, और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि यूथ जो है राजस्थान का वो यहाँ काफ़ी मात्रा में देखने को मिलेगा, क्योंकि मेरी अभी बात हो रही थी तो क्या रहेगा रैली का, तो मुझे ये लगा कि ये एक एजुकेशन हब है सीकर, और यहाँ जो यूथ की तादाद है, बेशक राजस्थान के किसी भी कोने का यूथ है वो पढ़ाई के लिए यहाँ, उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो मुझे लगता है कि यूथ को टारगेट करते हुए ये जो तमाम जो अपना जननायक दल की पार्टी के जो नेता हैं, शिखर नेता हैं, उनका फोकस यही है कि राजस्थान में आगे चुनाव आने वाले हैं, चुनाव में फोकस करते हुए यहाँ एक अच्छा। फिर एक चीज और है जो ये सीकर की धरती है, यहाँ इनका पुराना राजनीतिक गढ़ माना जाता है, हालांकि पुरानी हिस्ट्री है इनकी राजनीति की यहाँ पे, तो निश्चित तौर पर उसका भी ये माइलेज लेना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। आज राजस्थान में जैसे आज मैं कहूँगा शुरुआत ही है इनकी, तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में ये विस्तार करेगी और मुझे लगता है कि कामयाबी नहीं मिलेगी। बिल्कुल, बड़ी बात है। दिग्विजय चौटाला की बात कर रहे थे, भिवानी की रैली का जिम्मा भी उनका था, और वहां तो एक बड़ा अजीब चैलेंज लिया था कि सेक्टर्स में डिवाइड करके हम देखेंगे कि हम भर पाएंगे या नहीं, वो रिकॉर्ड तोड़ा था व्यूज के मामले में भी और वहां पे भीड़ को जुटाने में भी। क्या दिग्विजय चौटाला अब फिर यूथ को भी यहाँ खींच के लेके आ पाएंगे, और क्या जो उनके सिर ये एक जिम्मेवारी लगी है उसमें कामयाब हो पाएंगे? देखिए अरुण, सिंपल सी बात है कि भिवानी रैली में और सीकर रैली में जमीन आसमान का फर्क है। भिवानी में भीड़ जुटाना आसान था क्योंकि भिवानी डिस्ट्रिक्ट और आसपास का जो दादरी हरी हिसार है, जींद है, वो दुष्यंत चौटाला का एक कर्मभूमि है, अजय सिंह चौटाला की कर्मभूमि है, तो वहाँ से बड़ी संख्या में लोग आ गए थे। लेकिन दिग्विजय चौटाला के लिए सीकर की रैली बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती को उन्होंने स्वीकार करते हुए पिछले 20 दिन से लगातार डेरा डाले हुए हैं, और यहाँ पर लोगों की संख्या कहीं ना कहीं उसका पूरा क्रेडिट जो है दिग्विजय चौटाला को जाएगा, क्योंकि इस रैली की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, इस रैली की सफलता करवाना उनका ही दायित्व है, और ऐसे में इस रैली का सफल होना जहाँ उनको मैलेज देने का काम करेगा, और अगर कुछ ऊंच नीच होती है तो उनके खाते में जाएगी।
यानी भिवानी रैली को उन्होंने कामयाब करके दिखाया था। अभी देखने की बात है कि सीकर की रैली को भी क्या दिग्विजय चौटाला उसी तरह से सफल बनाने का काम करेंगे या नहीं करेंगे। सर दो चीजें हैं, दिग्विजय चौटाला को एक यूथ आइकॉन माना जाता है, भाई युवाओं को जुटाने में या इस तरह की चीजों में तो वो एक्सपर्ट है, लेकिन इस रैली को किसानों के प्रति डेडिकेट किया गया है, किसान सम्मान दिवस के रूप में कहा गया, तो क्या लगता है इस बारे में किस तरह से चल पाएंगे? देखिए कि राजस्थान की पॉलिटिक्स के अंदर दुष्यंत चौटाला ने साफ साफ कहा है कि राजस्थान का अगला सीएम किसान होना चाहिए। क्या बात है, तो किसानों की पॉलिटिक्स को फोकस करते हुए ये किसान सीएम का एक जो है नारा दिया गया है, और किसानों की पॉलिटिक्स राजस्थान में बड़े मायने रखती है। हरियाणा की पॉलिटिक्स में किसान आज की तारीख में जेजेपी प्रति नेगेटिव हैं, लेकिन राजस्थान की पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं है। यहाँ की पॉलिटिक्स में जेजेपी के लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन यहाँ पर लंबा काम करना पड़ेगा। ये नहीं कह सकते कि 3 महीने के बाद चुनाव के अंदर जेजेपी 15-20 MLA बना लेगी, उसके लिए बीजेपी के साथ भागीदारी करके अपने 2-4 विधायक बनाकर यहाँ की शुरुआत कर सकती है, और ये अच्छी शुरुआत हासिल करने के लिए सीकर की रैली एक पहला पायदान साबित होगी, और इसका आगाज अगर दमदार रहता है तो फिर दिग्विजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला दोनों के लिए राजस्थान की पॉलिटिक्स में बीजेपी के साथ मिलकर काम करने के दरवाजे खुल जाएंगे। INLD जो है, जो उसके सीनियर लीडर्स हैं, वो ये कह रहे थे कि हरियाणा तो संभला नहीं, जाके राजस्थान रैली करनी शुरू। देखिए ये तो पॉलिटिकल बयान है, एक 11 महीने की पार्टी ने हरियाणा में सत्ता में हिस्सेदारी हासिल की, जबकि 30 साल पुरानी पार्टी INLO सिर्फ एक MLA पर रह गई, तो उस मामले में आज की तारीख में JJP का अपर हैंड है, क्योंकि इनके पास 10 MLA हैं, INLD के पास 1 MLA है। तो उस नजरिए से आज दुष्यंत चौटाला भय चौटाला से आगे हैं, लेकिन कल की तारीख में ये देखना होगा कि क्या कैथल रैली के जरिए दुष्यंत चौटाला दुष्यंत चौटाला की बराबरी करते नहीं करते हैं, और ऐसे में सीकर की रैली के जरिए दुष्यंत चौटाला दिग्विजय चौटाला कितनी कांटे की टक्कर देते हैं, INLO से कितनी बड़ी रैली करते हैं, ये देखने की बात होगी। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि सीकर की रैली इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हरियाणा से बाहर हो रही है। हरियाणा में JJP के लिए भीड़ जुटाना आसान होता, सीकर में रैली जुटाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि यहाँ के जो विधानसभा क्षेत्र हैं 100-100 किलोमीटर के हैं। 100-100 किलोमीटर क्या इतनी देर लग गया? हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ के देखो, आपकी पार्टी नहीं है, आपके पास यहाँ पर कैडर नहीं है, आपके पास यहाँ पर 6-7 हलकों के अलावा आपके पास नेता नहीं है, तो और आपने 1 साल पहले वर्किंग स्टार्ट की है, और इसलिए यहाँ पर बड़ी रैली करना सबसे बड़ी चुनौती है। अब देखने की बात यही कि कल की चुनौती में दुष्यंत चौटाला दिग्विजय चौटाला कितने पास होते हैं, मेरिट पे आते हैं, पास होते हैं या फेल होते हैं, लेकिन यह तय है कि भाई अगर रैली कामयाब होगी तो निश्चित तौर पर स्टार्स जरूर ऐड होंगे, बिल्कुल माइलेज मिलेगा। अब कल का मुकाबला है, कल महामुकाबला है दोनों पार्टियों में, इसलिए सब जनता की निगाह भी उस पर है, हमारी निगाह भी उस पर है, वो देखने की बात है कि कल कौन सी पार्टी बाजी मारेगी। क्या बात है, महामुकाबला कल होने जा रहा है INLD और JJP के बीच। तकरीबन 5 साल पहले भी ये वर्चस्व की लड़ाई थी, जब पार्टी का विभाजन हुआ था, गोहाना की रैली बड़ी रैली थी, ताबड़तोड़ वहां पे भीड़ जुटी थी, और कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या कुछ होने वाला है, क्या होगा, और इसके बाद विभाजन हुआ, और उसके बाद आज ठीक 5 साल बाद फिर से कल वो दिन आएगा जब दोनों चाचा अभय चौटाला और भतीजे दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला ताकत दिखाने का काम करेंगे। अब ये जनता मोहर लगाएगी कि किसकी कितनी रैली कामयाब हुई है, ये रैली के बाद हम भी आपको दिखाएंगे, और रैली भी लाइव वो जो है हमारे सभी पेजेस पे रहेगी, तो आप जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें। नमस्कार।